नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं अरवी की सब्जी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। अरवी को धो करके और उबाल लिया है, 10 मिनट उबालने में लगे हैं और इसके छिलके उतार करके रख लिया है। हरी मिर्च और लहसुन को बारीक चॉप कर लिया है, थोड़ा सा जीरा, नमक स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और ये धनिया पत्ती कटी हुई बारीक। गैस पे पैन चढ़ा दिया है और तेल डाल दिया है। गैस को तेज फ्लेम में चालू कर देंगे। ये देखिए हीट आने लगी है, इसका मतलब तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालें लहसुन और हरी मिर्च जो बारीक कट करके रखी थी। लहसुन और हरी मिर्च हमारी पक गई है। अब हम इसमें डाल देंगे जीरा। अब गैस को मंदी कर देंगे, डाल देंगे हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। अगर आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें गरम मसाला नहीं डालती हूँ कभी भी, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है इसलिए ऐसे ही बना रही हूँ। नमक स्वाद के अनुसार आधा चम्मच नमक लिया था। ऐसे इस तरीके से चला देंगे। अरवी को हमने इस तरीके से गोल गोल पीसेस में कट कर लिया था, इसको भी डाल देंगे इसी में। ऐसे इस तरीके से अच्छे से चला लेंगे। जिसमें ज्यादा मसाला नहीं लगता है, जितना कम मसाला डाला जाए उतना ही अच्छी लगती है ये सब्जी। अगर आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं। मैं अदरक नहीं डालती हूँ इस सब्जी में। खटाई के लिए अमचूर या नींबू का रस भी डाल सकते हैं इसमें, मैं नहीं डाल रही हूँ। इसे थोड़ी देर ढक करके रख देंगे, थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहेंगे। वैसे तो हमारी अरवी पक चुकी है लेकिन फिर भी थोड़ा सा ढक करके इसको पकाएंगे। ये हमारी सब्जी पूरी पक करके तैयार हो गई है। मेरे पति को थोड़ी सी मेरे पति इसमें डाल देंगे। ये हमारी अरवी की सब्जी बन करके तैयार है। बनाने में बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।